CSMI एक ऐसी कंपनी जो करे सभी समस्याओं का समाधान। आज हम ऐसे ही एक जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां सच्ची मेहनत और लगन से काम करने वाले जीरो से हीरो बन सकते हैं, वो भी शान से। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 आज हम बात करेंगे प्राचीन हर्ब्स का एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, एलोवेरा विथ ऑनियन शैम्पू। अब हम बात करेंगे इसके फायदे के बारे में। एलोवेरा विथ ऑनियन शैम्पू में है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और ऑनियन एक्सट्रैक्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। जंग जीतोगे या हारोगे वो तो शाम को देखा जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आर यू फाइन गाइस? फाइन सर। Are you excited guys? Yes sir. Are you really excited? Yes sir. Any problem? No sir. Any problem? No sir. Saya, आज तुम्हारा पहला दिन है, आगे आओ। आगे आके अपने बारे में सबको बताओ। नमस्ते, मेरा नाम साया नाथ है, मेरा घर रंगिया में है, मेरे पिताजी का नाम प्रांजित नाथ है और माँ का नाम शीला देवी है। मेरे पिताजी एक किसान है। मैं आज से CSMI परिवार के साथ जुड़ने पर बहुत खुश हूँ और मैं CSMI परिवार के साथ आगे काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। साया, ये हमारे ग्रुप लीडर अमन। आज तुम्हें इनके साथ फील्ड पे जाना है और इनके काम करने के तरीके को देखना है और समझना है। अमन, तुम्हें साया को ट्रेन करना है। एक अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव किन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और सही समय पे सही डिसीजन कैसे लेते हैं, ये तुम्हें समझाना है। जी सर, मैं साया को वो सारी नॉलेज शेयर करूंगा जो मैंने अपने शुरुआती दिनों में अपने ट्रेनिंग मैनेजर से सीखा है। फील्ड पे जाने से पहले हमें एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है और वो है प्रोडक्ट डायरी और बिल बुक। जी सर। साया, ये एरिया काफी बड़ा है, यहाँ काफी सारे घर है, यानी कस्टमर भी ज्यादा होंगे। यहाँ हमें अपना प्रोडक्ट सेल करने में आसानी होगी। साया, आज तुम्हारा ऑब्जर्वेशन डे है, तुम्हें मुझे ऑब्जर्व करना है। मैं किस तरह कस्टमर्स से बातें करता हूँ और प्रोडक्ट पिच करता हूँ। वो दोनों टेरिटरी में एक के बाद एक सभी लोगों से मिलते हैं, कस्टमर्स से बातें करते हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिखाते हैं और तो और कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल भी करते हैं। साया अपने सीनियर को बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करती है और जरूरत पड़ने पर सीनियर को सही समय पर सही सलाह भी देती है। चलो, हमें अभी ऑफिस वापस जाना चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गाइस। अमन, आज का दिन कैसा रहा? उम्मीद करता हूँ कि आज का सेल्स अच्छा रहा। जी सर। साया, तुम्हारा पहला दिन फील्ड पे कैसा रहा? अच्छा रहा सर। गुड। अमन, कॉन्ग्रेचुलेशन, पिछले बार की तरह तुमने इस बार भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट का टाइटल हासिल किया है। टीम बी, तुम्हारे टीम ने इस बार एक्सेलेंस स्कोर किया है। टीम बी, मैं आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ। गो कलेक्ट योर जूसी। आर यू एक्साइटेड गाइस? रियली एक्साइटेड, 100% एक्साइटेड। यस सर। संको, तुम्हारा अकेले फील्ड का परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा। मैं तुमको सजेस्ट करता हूँ कि तुम टीम ए अमन सर के साथ काम करो। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जी, बेझिझक पूछिए, यहाँ सवाल पूछने की आजादी सबको है। सर, क्या मैं अकेले फील्ड पर जा सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं अकेले जाऊंगी तो मैं ज्यादा टाइम मैनेज कर सकती हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाऊंगी, ये मुझे विश्वास है। ठीक है। साया फील्ड पर अकेली जाती है, एक के बाद एक लोगों से मिलती है, प्रोडक्ट्स भी सेल करती है और ऐसा करते हुए साया का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। एंथम के लिए रेडी है? यस मैम। इफ यू गॉट ए गोल इन योर लाइफ, फॉलो इट एंड डेस्परेटली स्ट्राइव, ऑन द रोड ऑफ बिग सक्सेस, फील इट ट्रबल इन एक्सेस, ला 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 ला। La 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 la
Don't give up anything midway, otherwise you'll find yourself in the middle of the way. La 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 la. Don't give up anything midway, otherwise you'll find yourself in the middle of the way. In the middle of the world. In the middle of the world. La 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 la. So many heaven, so many heaven, so many heaven, so many heaven. Never says no, always I can. Never says no, always I can. I can, I can, I can, I can. I can, I can, I can, I can. We sell. Hey guys, say what? Hey guys, say what? Hey guys, say what? What is the day? Jose Tuesday. What's the day? Payday. For whom? For us. For who else? Who care? Hey guys, say what? Hey guys, say what? Hey guys, say what? How you are feeling? Fantastic, epic, great, oh, you are strong, bomb news, baby, second man. I feel wonderful, right, Jose. New guys, are you excited? जैसे कि आप सब जानते हैं 45 डे बाद कंपनी रूल्स के मुताबिक किसी एक फील्ड एग्जीक्यूटिव को ग्रुप लीडर प्रमोट किया जाता है। आर यू एक्साइटेड गाइस? यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस सर। सो हमारे इस बार के न्यू ग्रुप लीडर है साया। क्या हुआ शंकु, तुम खुश नहीं लग रहे? खुश नहीं हूँ तो दिखू कैसे? सर मैं सीनियर हूँ, ये प्रमोशन मैं डिजर्व करता हूँ। देखो साया ने जॉइनिंग से ही सच्चे लगन और मेहनत से काम किया है, ये उसके मेहनत का रंग है और कुछ नहीं। तुम भी करो, तुम्हें भी मिलेगा, नामुमकिन कुछ भी नहीं। दिन भर लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन किया पर एक भी सेल नहीं हुआ, सब कस्टमर्स नेगेटिव। अगले ही दिन साया, नए और बाकी सभी गाइस ब्रांच के क्लास में होते हैं। साया क्लास करने का डोर अपने हाथ में लेती है। क्लास करवाने का जिम्मा लेते ही मानो जैसे सभी का ट्रेनिंग करने का नजरिया ही बदल गया और मानो कुछ अलग ही हो गया। अब नए गाइस और पुराने सभी गाइस फील्ड में सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, अब स्मार्ट वर्क करने लगे हैं। फिर उनका टेरिटरी नहीं घर बन गया है और लोग उनके परिवार। साया ब्रांच में बैठी कुछ बोल रही है और उसके सामने गाइस बैठे रहते हैं। एक के बाद एक गाइस इंटरव्यू के लिए जाते हैं। साया एक मैच्योर लीडर की तरह गाइस को इंटरव्यू के बाद हैंडशेक कर गुड बाय कहती है। साया का पर्सनालिटी एक अलग ही लेवल पर था। साया के काम करने के तरीके ने सारे ब्रांच में भगदड़ सी मचा दी थी। साया का जय जयकार का डंका CSMI के सभी ब्रांच में बजने लगा। सभी ब्रांच में साया ने अपनी उपस्थिति का ऐलान कर दिया था। कल की लड़की दो चार प्रोडक्ट फिर पे क्या बेच लिया, खुद को अव्वल दर्जा का एम्प्लॉई समझने लगी। ये काम हम यहाँ ना करके कहीं और भी तो कर सकते हैं। जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। अब रहने दे यार, तेरा बहुत हुआ। क्या रहने दूबे, मैं तो छोड़ने ही वाला हूँ। कुछ मजबूरी के वजह से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बस अब बहुत हुआ। ना यहाँ एम्प्लॉइज की कदर है, ना यहाँ सीनियरिटी की। प्रमोशन के वक्त सभी मुंह फेर लेते हैं। पूरा का पूरा कंपनी ही घटिया है, घटिया प्रोडक्ट्स, घटिया कस्टमर्स। ये बातें गाइस के मन में घर कर जाती हैं और शंको भी पीछे नहीं रहता। वो एक के बाद एक गाइस को नेगेटिविटी का पाठ पढ़ाते जाता है। तीन चार गाइस कंपनी छोड़ जाने का मन बना लेते हैं और एक दो तो कंपनी छोड़ ही जाते हैं। साया उनको रोकने की काफी कोशिश करती है पर कोई साया की सुने तब ना। शंकु का ये पाठ पढ़ाने का सिलसिला मन ही मन ब्रांच के अंदर चलता रहता है। साया गाइस को लेके फील्ड में जाती है और फिर उसी लगन, मेहनत और जोश के साथ काम करने लगती है। साया ने ब्रांच में फिर से भगदड़ मचा दी थी।
साया का जय जयकार का डंका फिर से CSMI के सभी ब्रांच में बजने लगा। डंका बजा तो बजा, अब की बार बड़ी जोरों से बजा। MD सर साया को अवार्ड देते हैं और साया को असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का प्रमोशन मिलता है। साया खुशी से झूम उठती है। गाइस और साया सेलिब्रेट करते हैं, वो नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। साया के सामने अब एक नया चैलेंज था। नया ब्रांच, नए लोग, साया अपनी स्वाभाविकता से अपने काम को आगे ले जाती है। साया ने तो अपने नए ब्रांच में भी जूसी जूसी का डंका बजा दिया। आज हम बात करेंगे प्राचीन हर्ब्स का न्यूली लॉन्च्ड एक प्रोडक्ट एलोवेरा विद अनियन शैम्पू के बारे में। प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि गुणों से करे अपने बालों का विकास, पोषित मजबूत घने बालों से ना टूटे आपका नाता। GMP द्वारा प्रमाणित 100% प्राचीन औषधि गुणों से किया गया तैयार प्राचीन हर्ब्स एलोवेरा विद अनियन शैम्पू। ये बालों को घने और मजबूत करते हैं, ये आपके स्कल पे डैंड्रफ होने से रोकते हैं और आपको एलोपेशिया जैसे बीमारियां होने से बचा के रखते हैं। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, सूखे स्कैल्प को पोषित करते हैं और बालों को नेचुरल शाइन देते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स हेयर फॉल जैसे समस्याओं को रोकते हैं। साया रुकी नहीं, बोलती गई। साया ने नए ब्रांच में सबका मन जीत लिया था। साया अपनी उपस्थिति का प्रभाव नए ब्रांच में भी जय जयकार से कर रहे थे। और दूसरी तरफ संको, इनका तो हो गया रे गुड डे। संको उठ के वहाँ से चला जाता है। साया का प्रमोशन उसे हजम नहीं होता। अरे वो तो गांव चला गया। ऑफिस से बाहर चले जाते हैं संको, वो अपने गांव की तरफ चला जाता है। संको परेशान, उसका घर पे भी मन नहीं लगता। वो घर से बाहर निकल आता है। अरे शंको, तू कब आया? आज सुबह ही। और काम कैसा चल रहा है? मुझे क्या पता, मेरा मतलब मैं तो छुट्टी पे हूँ ना, मुझे कैसे पता होगा। चलो चाय पीते हैं। अरे ये क्या, शंको खुद क्यों प्रोडक्ट खरीद रहा है? कहीं उसने ब्रांच छोड़ने का मन तो नहीं बना लिया? हाँ, उसने अपने से प्रोडक्ट खरीद के फील्ड पे बेचने का मन बना लिया था और वो फील्ड पे बेचने निकल पड़ा। सर, मैं एक मेडिसिन कंपनी से आया हूँ, मेरे लिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स है। ये है केरला गो। हाँ तो इसके क्या फायदे होंगे मुझे? ये आपके दिमाग को ठंडा रखता है और वर्कलोड से होने वाले प्रेशर को कंट्रोल करता है। लेकिन करेला तो खून साफ करता है, पेट साफ करता है, ये दिमाग कहाँ से आया? नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। संको फील पे दूसरे एक दो कस्टमर के आगे हाथ जोड़ के पैर पकड़कर मिन्नतें करता है और एक दो प्रोडक्ट बेच लेता है। यस, ये संको का स्टाइल है। भले ही देर आए पर दुरुस्त आए। संको फील पे कस्टमर को प्रोडक्ट्स दिखाता है। कस्टमर का साफ तरीके से संको को इनकार करना और प्राचीन हर्ब्स प्रोडक्ट्स दिखाते हुए उसे मना कर देता है। संको हैरान, परेशान, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना। उसका हालत तो ऐसा हुआ, ना वो घर का रहा ना ही घाट का। संको का दिमाग टेंशन से फटा जा रहा था। बैग में प्रोडक्ट नहीं, जेब में पैसा नहीं, और तो और नौकरी नौकरी तो वो पहले ही खो चुका था। साया की बुद्धि, शक्ति, गुरु का आदर साया की तरक्की का एक लौता गोल बन गया। ब्रांच के सेल्स का ग्राफ ऐसे उठा, सभी हक्के बक्के रह गए। साया गाइस को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको फील्ड के नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स बताने लगी, और तो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर करने वालों को ग्रुप लीडर के लिए प्रमोट भी करने लगी। ब्रांच के गाइस को सफलता मिलते ही गाइस के अंदर जोश और जुनून का अलग ही लेवल उभर उठा। वे अब चुनौतियों से डरने नहीं बल्कि अब वो खेलने लगे। साया की मेहनत, लगन, प्रतिज्ञा और जिद ने साया को जिंदगी में आनंद प्राप्त करने का अवसर दिया। साया ने अब अपने सारे दुख और दर्द को पीछे छोड़ दिया। और उधर शंको घर के अंदर कुएं का मेंढक बना बैठा रह जाता है। अब साया एक सुखी और खुशहाल जीवन जी रही है।